सेनेट इलेक्शन के लिए एमक्यूएम ने अहम फैसले कर लिए। जनरल इंटरेस्ट के लिए आमिर चिश्ती एमक्यूएम के उम्मीदवार होंगे। ट्राफिक के मुताबिक एमक्यूएम जरा तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाविदा को बतौर आजाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। तफसीलात जान लेते हैं राशिद सदीक से। जी राशिद सदीक, शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये बड़े फैसले किए गए हैं, जिसके मुताबिक एमक्यूएम जो है वो सेनेट की जनरल निशस्त पर आमिर चिश्ती को जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है फैसल वावडा जो कि आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं सेनेट की, तो एमक्यूएम पाकिस्तान उनको बतौर आजाद उम्मीदवार ही सपोर्ट करेगी। जबकि इसके साथ साथ नजीब हारून लोग सिद्दीकी शब्बीर कायम खानी की जानब से भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने कागजात जमा करवाए थे, जबकि एमक्यूएम की जो खवातीन की निशस्त के लिए शबीना परवेज यासमीन दादा भाई ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनके हवाले से अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि फैसल वावड़ा की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान की कायदत से रब्ता किया गया था, कहा गया था कि बतौर आजाद उम्मीदवार उनकी सपोर्ट की जाए, जिसके बाद एमक्यूएम की जो एडहॉक कमेटी है जिसकी सरबराही डॉक्टर खालिद है। बहुत शुक्रिया राशिद सदीक।